राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भादर वन इलाके में एक पैंथर ने जमकर उत्पात मचाया। जंगल से ग्रामीण आबादी में पहुंचे इस पैंथर ने पहले एक नील गाय का शिकार किया और फिर वहीं झाड़ियों में दुबक गया। लोगों को पता चला तो पैंथर को देखने पहुंचने लगे। देखते ही देखते पैंथर वाले इलाके में भीड़ जमा हो गई। इसी बीच पैंथर झाड़ियों से बाहर आए और भीड़ देखकर हमलावर हो गया। ये पूरा घटनाक्रम गड़िया भादर मेतवाला गांव का है। पैंथर ने मीडिया कर्मी गुणवंत कलाल पर झपट्टा मारा। पहली बार पैंथर लौट गया लेकिन फिर से उसने गुणवंत पर हमला किया। इस हमले के दौरान वहां मौजूद लोग इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी के बीच पैंथर की से दो चार होते गुणवंत ने अपनी जान बचाने के लिए पैंथर का जबड़ा पकड़े रखा। पैंथर पर हावी होते हुए उसे दबाए रखा। हिम्मत दिखाकर पैंथर से लड़ता रहा। इसके बाद लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और पैंथर को रस्सों से बांध दिया। गड़िया भादर मेतवाला गांव में पैंथर ने नील गाय का शिकार किया। शिकार को खाते हुए पैंथर को देखकर लोग इकट्ठा हो गए। बांसिया निवासी मीडिया कर्मी गुणवंत कलाल घटना का कवरेज करने पहुंचे। पैंथर ने मीडिया कर्मी पर अटैक कर दिया और पैर को जबड़े में दबोच लिया। मीडिया कर्मी ने हिम्मत दिखाकर पैंथर से लड़ाई लड़ी। लोगों ने पैंथर को रस्सों से बांधकर उसे पकड़ा। घायल मीडिया कर्मी को अस्पताल ले जाया गया। उधर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ आई। जयपुर में स्थित हेरिटेज होटल कानोता कैसल में करीब दो महीने पहले एक ऐसे ही वाकया हुआ था। यहां अचानक एक पैंथर होटल में घुस आया। उसे देख वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों की एक टीम मौके पर पहुंची। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा जा सका। जयपुर और डूंगरपुर ही नहीं, राजस्थान के कोटा, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर आदि जिलों में अक्सर पैंथर की मूवमेंट देखी जाती है।